दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड डेस्क। दोस्तों बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे आपके पास रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, शाओमी हो, सैमसंग हो, अगर आप बहुत बार ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि कैसे हमारा फ़ोन अनलॉक हो। लेकिन इस वीडियो को देख के आपको अनलॉक करना, तो क्या आप एक इंजीनियर भी बन सकते हैं फ़ोन के? तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट जानते हैं कैसे फ़ोन को अनलॉक किया जाता है। सबसे पहले फ़ोन आपका लॉक है कुछ इस तरीके से, आपने बहुत बार रिट्राई कर लिया फ़ोन, आप जब तक करेक्ट पासवर्ड पैटर्न ये सब नहीं डालेंगे ये अब जो है खुलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का टाइमिंग भी शो होने लगता है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास रियलमी का फ़ोन हो या फिर ओप्पो का फ़ोन हो या फिर वीवो का फ़ोन हो या सैमसंग का फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, आपको परेशान नहीं होना है। अभी चुपचाप आपको अपने फ़ोन को क्या करना है कि परमानेंटली एकदम यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देना है। इस तरीके से ये हमारा फ़ोन इस तरीके से ऑफ़ हो गया। अब ये मत सोचिए कि रियलमी का फ़ोन है तो रियलमी वाला ही सारे फ़ोन इससे अनलॉक होंगे, नहीं, ओप्पो के, वीवो के, शाओमी, सैमसंग सब यहाँ पे इस मेथड से जो है अनलॉक होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक बटन से पावर बटन दबाना है और दूसरे उंगली से आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन, जिससे आवाज़ कम होता है, ये दोनों को एक साथ कंटिन्यू प्रेस करना है। और जैसे ही आपके फ़ोन का लोगो आ जाए, नाम आ जाए, पावर बटन में से उंगली को हटा दीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम डाउन में से आपको जो बटन को है दबाए रखना है उंगली से और थोड़ा वेट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो इंग्लिश पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको चाइनीज आती है तो कंग्रेचुलेशन, आप चाइनीज में भी वर्क कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, तो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में यहाँ पे देखिए हमसे पैटर्न मांगा जा रहा है, बट पैटर्न तो हमें पता है नहीं। तो फाइनली हम यहाँ पे वाइप डेटा पे क्लिक करेंगे। वाइप डेटा पे क्लिक करते ही यहाँ हमारे सामने एक कोड आ रहा है। अब इस कोड को एंटर करेंगे, 4664। ये कोड को एंटर करते हमारे सामने ये मैसेज आता है, वाइप डेटा फॉर्मेट डेटा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी डेटा नहीं बचेगा, फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, डेटा आपका नहीं बचेगा इस मेथड से। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करते हैं, और फॉर्मेट पे क्लिक करने से पहले यहाँ देखिए ऑल यूजर डेटा विल बी रीसेट, तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट फटाफट यहाँ पे होना जो है स्टार्ट हो गया, ये देखिए। और जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, फ़िलहाल हमारे फ़ोन में ज़्यादा डेटा नहीं है इसलिए टाइम कम लगने वाला है। तो यहाँ पे ये जो है वाइप डेटा वाला मेथड जो है सक्सेसफुली हो गया है। ओके करेंगे, ओके करते ही आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है आपका फ़ोन जो है आप देख सकते हैं कि ये अब जो है ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा। तो फाइनली हम इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं आपके सामने, और ये बिल्कुल लाइव होने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा, तो फ़िलहाल मैं आवाज़ बंद कर दूँगा। तो जब फ़ोन स्टार्ट होता है तो फिर आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो स्मार्टफोन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस लगता है ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आई थिंक अब जो है यहाँ पे आपको बेटर व्यू देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल हमारा फ़ोन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फ़ोन आपके पास कोई भी हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, कुछ इस तरीके का ही आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ इसी तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो है फ़िलहाल हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये जो है आपके स्मार्टफोन में लॉक है, इसको UEFI लॉक कहते हैं। आप आगे जाओगे आपको इसके बारे में अभी हम बताएंगे। फ़िलहाल अभी जो है हम यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, जितने भी टर्म एंड कंडीशन है सबको यहाँ पे फॉलो करते हैं। और फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट वाईफाई मांगा जा रहा है,
तो फ़िलहाल जो है हम अपना यहाँ पे टेम्प्रेरी के लिए आपको एक वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाईफाई आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप हॉटस्पॉट से भी काम चला सकते हैं, तो टेम्प्रेरी आप हॉटस्पॉट से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, वाईफाई हमारा ये कनेक्टेड हो चुका है, डन। देन नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम, और इन सारे सेटिंग्स को आप ऑन कर लीजिए, नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत इजी वे से आप पहुँच जाएंगे, मैं गारंटी के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो बिल्कुल इजी वे में पहुँच जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आप कहाँ फंसेंगे, लोग कहाँ पे फंसते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे लोग कहाँ कहाँ लोग फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप तो कर लेंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन मैं बिल्कुल एक सीक्रेट कोड के थ्रू आपको यहाँ पे फ़ोन अनलॉक करके दिखाऊंगा, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे समय नहीं लगने वाला है, बिल्कुल इजी वे में अपने घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, वो भी विदाउट विदाउट इंटरनेट। ज़्यादा इंटरनेट की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम, डोंट कॉपी करेंगे, जस्ट सेकंड के यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ये चेकिंग इन्फो पे है। अब आप यहाँ फंसते हैं, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि भाई मैंने तो फिर से हार्ड रीसेट वगैरह कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे फिर से ये मांगा जा रहा है। बट बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये सोल्यूशन है मेरे पास, ऊपर कैंसिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप तो यहाँ से तो कैंसिल करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अभी ये जो प्रोसेस आने वाला है, ये इससे आप कैसे बचोगे? वेरीफाई योर अकाउंट, ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए अपना ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर नहीं सकते हैं, नेक्स्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आप वेरीफाई कैसे कीजिएगा? तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप ईमेल आईडी, आपको याद नहीं है, मान के चले किसी से सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज किया है तो वो तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड देगा नहीं, मान के चले आपने ईमेल आईडी बनाया भूल गया, आपने बनाया, अपने बच्चों ने बनाया भूल गया, तब आप क्या करेंगे? देन हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी जो है इन सारे ऑप्शन से बैक चल जाना है, जितने भी ऑप्शन हमने यहाँ पे किए हुए थे सबसे हमें यहाँ पे बैक चल जाना है, और बिल्कुल यहाँ कंट्री वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे चले आना है। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्री वाले ऑप्शन में हम आ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब जो है आपको फाइनली एक बार और बैक कर लेना है, और ध्यान दीजिए इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पे हम इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये देखिए ऊपर में कुछ इस तरीके का लॉक है, देखिए ध्यान से ऊपर में कुछ इस तरीके का ये लॉक दिखाई दे रहा है, तो जब तक ये लॉक रहेगा आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ दो या तीन कोड इंटर करने पड़ेंगे, लेकिन आई होप मैं सिंगल जो कोड दूंगा उसी से आपका काम हो जाएगा, आपको फिर दूसरे कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर डायल करना है *813। ध्यान से देखिए सिर्फ *813 और हैज़ डायल करते ही आपका फ़ोन जो FRP लॉक लगा हुआ है वो बिल्कुल 100% अनलॉक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हैज़ हमें दबाना है, बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपका फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, वो भी विदाउट आपका कोई भी, मैं ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देना है किसी को भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये यहाँ पे ये ट्रिक ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है बिल्कुल फ्री में होने वाला है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको, और रियलमी ओप्पो वीवो जितने भी डिवाइसेस है सब यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अनलॉक होंगे। फिर से मैं इसको लॉक करके फिर से अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो देखा दोस्तों, बहुत ही कमाल का वीडियो था, इंटरेस्टिंग वीडियो था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे क्या करना है, तो आप भी इससे सीख सकते हैं और रियलमी ओप्पो वीवो शॉमी सैमसंग की डिवाइस को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी कोई दिक्कत होती नीचे कमेंट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।